यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन हैं। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डी क्रूज और नरगिस फाकरी हैं। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद हैं। मूवी की आईएमडी रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर्स द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरिंगी की रीमेक है। फिल्म में नरगिस फाकरी, वरुण धवन और एलेना डी क्रूज। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षण ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार हिरोस्वामी हैं। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरानंदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडेगरी जो संतोष श्रीवांशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर वरुण धवन, एलेना डी क्रूज और नरगिस फाकरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट नितिन माधुकर और रॉक ट्रेड द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद हैं तथा स्कोर के लिए संदीप रोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी के पॉलिस से मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ श्रीनाथ प्रसाद उस दिन यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दे। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है, लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं, लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की थी। वह यूपी से बंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की की एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू लिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलेनिया डी क्रूज नाम की एक मध्यम वर्गीय लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है।
और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणसव सिंह नाम के एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के पाए पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं जब तक कि वह उसे तो वो पीट नहींता नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है, लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमियों को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि सीनू की एक प्लानिंग होती है और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है, क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था, लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। सीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना को एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। सीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी आयशा सिंघल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। उसमें अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उससे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा, जिसे सीनू को आयशा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। ऐसा है महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बली यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है। लेकिन जब आयशा अपने पिता से सीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को इसलिए कहा, लेकिन ऐसा कर रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है, जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उससे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चुनने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला कर दिया है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और आयशा से सीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है।
आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की एक योजना थी जिसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने प्रेरणाथ प्रसाद पक्की यानी सीनू का, एलिना डिकल ने सुनैना का, नायकी फाइव भूमि ने आयशा का, अयोध्या सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने पीटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावन ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविल्या शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, जेल मोटवानी ने बोन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसाई ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपाठी का, कैबिस मोदवांतर ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस अपरेंस एज अ वेरियस कोर्ट का, और इस मूवी में पुनीत राजपूत, मोहनलाल प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हर सेल्फ और हिमसेल्फ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कर्मूत कपूर निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की क्योंकि उन्हें अपने अगले उद्यम के लिए तेलुगु फिल्म कंडीरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करे। नरगिस फाखरी ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया जो भाषाओं की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एलिना डिकल, नरगिस फाखरी से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में वास्को सीजर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं इस मूवी के साउंड ट्रैक साजिद वाजिद द्वारा रचित थे जबकि गीत कुमार कौशल मुनीर और दाविद साबिर द्वारा लिखे गए थे। बेनी दयाल और सामली फलखड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 20 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंड ट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंड ट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागिनी MMS2 के नाटकीय फिल्ड के साथ इसका रिमिक्स संकलन किया जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के गीत जहां तेरी ये नज़र ऐसे की गाइस आप वरुण धवन और एलिना डिकल्स और नरगिस फाखरी की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखने का थे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसा आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन हैं। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद हैं। IMDb 5.1 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरंगी की रिमेक है।
फिल्म में नरगिस फाखरी, वरुण धवन और एलेना डिक्रूज। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षण ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार किरोसामी है। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरानंदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडिगरी जो संतोष श्रीवंशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट नितेश माधुकर और रॉक ट्रेडर द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर सारिक वारी ने तथा स्कोर के लिए संदीप सरोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोटर पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऊटी के कॉलेज से मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ श्रीनाथ प्रसाद उस सीनू यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दे। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है, लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं, लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की थी। वह यूपी से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की की एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू लिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलेना डिक्रूज नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणसो सिंह नाम के एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के पाए पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं जब तक कि वह उसे दो को पीट नहींता है नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है, लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमियों को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि सीनू की एक प्लानिंग होती है
और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है, जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। सीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना को एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु ऊटी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। सीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी आयशा सिंघल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। उसमें अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उससे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा, जिससे सीनू को आयशा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। शहर महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बलि यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है। लेकिन जब आयशा अपने पिता से सीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को लिए कहा, लेकिन असफल रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है, जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उसे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चुनने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और अनिच्छा से सीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है, यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की एक योजना थी जिसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यहीं मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की बात करें तो वरुण धवन ने श्रेनाथ प्रसाद पक्की यानी सीनू का, एलिना डिकैस ने सुनैना का, नायकी फाइकनी ने आयशा का, और अयोध्या सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने पीटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावन ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविलिया शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, नील मोटवानी ने बॉन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसाई ने
एंगर मैनेजमेंट श्रीपाठ का, केविस मोजवांतर ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस एक्सपीरियंस एज अ वेरियस स्पॉट का। और इस मूवी में पुनीत राज कपूर, मोहनलाल, प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हर सेल्फ और हिमसेल्फ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कपूर कपूर निर्माता ने 1 जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की, क्योंकि उन्हें अपने अगले उद्यम के लिए तेलुगु फिल्म कंडीरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि सिर्फ द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करें। नरगिस फाखरी ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया, जो भाषाओं की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एरिना डिक्रूज और नरगिस फाखरी से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में वास्को सीजर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं इस फिल्म के साउंडट्रैक रचित गीत कुमार कौसमीर और दाविद साबिर द्वारा लिखे गए थे। पेने दयाल और सामली खड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 20 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंडट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंडट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागिनी MMS2 के नाटकीय प्रिंट के साथ इसका रिमिक्स संकलन किया, जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के गीत जहां तेरी ये नजर ऐसे की का इस्तेमाल वरुण धवन और एलिना डिक्रूज। इस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखने चाहते हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद हैं। उनकी IMDb रेटिंग 5.1/10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरिंगी की रीमेक है। फिल्म में नरगिस फाखरी, वरुण धवन और एलेना डिक्रूज हैं। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षकों ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार हिरोशामी हैं। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरानंदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडेगरी जो संतोष श्रीवंशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। मूवी को एडिट नितिन माधुकर और रॉक टेडे द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद हैं तथा स्कोर के लिए संदीप सरोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है।
इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी के एक पॉज से मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सीनू यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दें। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है, लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं, लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की थी। वह यूपी से बंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू लिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलेनिया डिक्रोस नाम की एक मध्यम वर्गीय लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणतो सिंह नाम की एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के बाएं पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं, जब तक कि वह उसे दो को पीट नहीं था नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है, लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमियों को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है, जो कि सीनू की एक प्लानिंग होती है, और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है, क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था, लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। सीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना को एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। सीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं ऐसा सिंगल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। उसने अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उसे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा, जिसे सुनू को ऐसा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहां से निकल जाता है।
शहर महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बलि यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है। लेकिन जब आयशा अपने पिता से सीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को लिए कहा, लेकिन ऐसा कर रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है, जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उसे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चुनने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और आयशा से सीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की एक योजना थी, इसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने श्रीनाथ प्रसाद अक्की यानी सीनू का, एलिना डिकर्स ने सुनैना का, नायकी फाइकनी ने आयशा का, अयोध्या सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने पीटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावन ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविलिया शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, नील मोटवानी ने बॉन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसारी ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपाठी का, कैविस मोदवांतर ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस अप्रेंस एज अ वेरियस कोर्ट का, और इस मूवी में पुनीत राजपूत, मोहनलाल, प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हर सेल्फ और हिमसेल्फ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कपूर निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की, क्योंकि उन्हें अपने अगले उत्तम के लिए तेलुगु फिल्म कंडीरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करे। नरगिस फाकिर ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज में डब किया, जो भाषाओं की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एलिना डिकर्स और नरगिस फाकरी से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर 2 अक्टूबर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ।
फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में बॉस्को सीजर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं उनके साउंडट्रैक राजेशवादी द्वारा रचित थे, जबकि गीत कुमार गौतम मुनीर और साबित साबित द्वारा लिखे गए थे। पेनी दयाल और सामरी फलखड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 30 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंडट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंडट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागिनी MMS2 के नाटकीय प्रिंट के साथ इसका रिमिक्स संकलन किया, जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के गीत जहां तेरी ये नज़र ऐसे की। गाइस आप वरुण धवन और एलिना डी क्रिस्प और अर्जुन पागरी की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप तो कैसा आप सभी। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डी क्रूज और नरगिस फाखरी है। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर्स द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरंगी की रीमेक है। फिल्म में नरगिस फाखरी, वरुण धवन और एलेना डी क्रूज। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षकों ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार हिरोशामी है। वहीं इस मूवी के डायलॉग गुलाब जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरामदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडिगरी जो संतोष श्रीवंशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर वरुण धवन, एलेना डी क्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट नितिन माधुकर और रॉक टेडे द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद हैं तथा स्कोर के लिए संदीप सिरोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी के पॉलिस से मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सीनू यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दे। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है, लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं, लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की थी। वह यूपी से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है, उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है।
कि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू टिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलिनिया डिक्रोस नाम की एक मध्यम वर्गीय लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणसव सिंह नाम के एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के बाएं पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं, जब तक कि वह उसे दो को पीट नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है, लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमी को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि सीनू की एक प्लानिंग होती है और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है, जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था, लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। सीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना को एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। सीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी ऐसा सिंगर ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। उसमें अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उसे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा, जिससे सीनू को ऐसा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। ऐसा है महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बलि यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, जैसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब आयशा अपने पिता से सीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को लिए कहा, लेकिन ऐसा फल रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा
के लिए भ्रमित करता है, जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उसे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चुनने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और अनिच्छा से सीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की योजना थी जिसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने श्रीनाथ प्रसाद पक्की यानी सीनू का, एलिना डी क्रेज ने सुनैना का, नायकी फाइकली ने आयशा का और रोजना सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने पीटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावान ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविलिया शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, नील मोटवानी ने बोन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसारी ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपास्कर का, कैबिस मोहमांतर ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस अपरेंस एज अ वेरियस कोर का और इस मूवी में पुनीत राजपूर, मोहनलाल प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हरसेल्फ और हिमसेल्फ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कर्मूर कपूर निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की क्योंकि उन्हें अपने अगले उद्यम के लिए तेलुगु फिल्म कंडेरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करें। नायक फाकिर ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया जो भाषाओं की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एरिना डिक्रूज और नरगिस फाकरी से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर अक्टूबर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में बॉस्को सीजर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं इस मूवी के साउंड ट्रैक साजिद बाजी द्वारा रचित थे जबकि गीत कुमार कौशमनीत और दाविद साबिर द्वारा लिखे गए थे। पेनी दयाल और सामली कल खड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 20 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंड ट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंड ट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागनी MMS2 के नाट्य प्रिंट के साथ इसका रिमिक्स संकलन संकलन किया जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के की जहां तेरी ये नज़र ऐसे की। गाइस आप वरुण धवन और एलिना डिक्रूज और नरगिस फाकरी की इस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ
जरूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप में कैसा आप सुनिए। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 11 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद हैं। मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरंगी की रिमेक है। फिल्म में नरगिस फाखरी, वरुण धवन और एलेना डिक्रूज हैं। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षकों ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार हिरोशामी हैं। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरानंदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडेगरी जो संतोष श्रीवांशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट यदित माधुकर और रॉक ट्रेल द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद हैं तथा स्कोर के लिए संदीप सिरोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। के पॉलिस से मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ श्रीनाथ प्रसाद और सीनू यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दे। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है, लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं, लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के ड्रिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की थी। वह यूटी से बंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू ड्रिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलेना डिक्रूज नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणतो सिंह नाम की एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के बाएं पर गोली
मार देती है और अंगद के आदमी चीनू का पीछा करते हैं जब तक कि वह उसे दो को पीट नहीं बाकी को डराता है। चीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है, लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता, चीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। चीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमियों को डराती है और चीनू से प्यार करने लगती है। अंगद चीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और चीनू को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि चीनू की एक प्लानिंग होती है और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है, क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था, लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से चीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। चीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। चीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना को एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें चीनू आ रहा था। चीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी आयशा सिंघल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। मैं अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उससे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि चीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा, जिससे चीनू को आयशा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर चीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए चीनू उन पर हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। ऐसा है महसूस करते हुए चीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बली यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है। लेकिन जब आयशा अपने पिता से चीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और चीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में चीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में चीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को ये कहा, लेकिन ऐसा कर रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। चीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। चीनू और सुनैना अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है, जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उससे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से चीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को चीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चूमने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और अनिच्छा से चीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। चीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो चीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो चीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की एक योजना थी जिसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि
यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने श्रीनाथ प्रसाद पक्की यानी सीनू का, एलिना डिकर्स ने सुनैना का, नायके फाइक चुन्नी ने आयशा का और उदय सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने ट्विटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावन ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविल्या शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, जेल मोटवानी ने बॉन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसाई ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपाठी का, कैविस मोजवंतर ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस अप्रेंस एज अ वेरियस स्पॉट का और इस मूवी में पुनीत राजपूत, मोहनलाल प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हरसेल्फ और हिमसेल्फ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कर्मूर कपूर निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की क्योंकि उन्हें अपने अगले उद्यम के लिए तेलुगु फिल्म कंडेरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करें। नायके फाकिर ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया जो भाषाओं की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एलिना डिकर्स से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर अक्टूबर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में बॉस्को थिएटर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं मूवी के सॉन्ग साजिश वाजी द्वारा रचित थे जबकि गीत कुमार कौशल मुनीर और दाविद साबिर द्वारा लिखे गए थे। पेनी दयाल और सामी खड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 30 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंड ट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंड ट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागिनी MMS2 के नाटकीय प्रिंट के साथ इसका रिमिक्स संकलन किया जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के गीत जहाँ तेरी ये नज़र ऐसे की वरुण धवन और एलिना डिकर्स और अंजिम पागरी की इस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन हैं। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाकरी हैं। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 out of 10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर्स द्वारा पसंद किया गया है। तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरिंगी की रीमेक है। फिल्म में नरगिस फाकरी, वरुण धवन और एलेना डिक्रूज हैं। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षकों ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के
डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार किरोसामी हैं। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरामदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडेगरी जो संतोष श्रीवांशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर वरुण धवन, अलीना डिकर और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट नितिन माधुकर और रॉक टेड द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद पादी ने तथा स्कोर के लिए संदीप जोड़कर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी के पॉलिस से मूवी की शुरुआत होती है जहाँ श्रीनाथ प्रसाद उस दिन यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दें। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की है। वह यूपी से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की की एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू लिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलिनिया डिक्रोस नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणतो सिंह नाम की एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के बाएं पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं जब तक कि वह उसे दो को पीट नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमियों को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि सीनू की एक प्लानिंग होती है और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। सीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना
को एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ओटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। चीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी आयशा सिंघल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। उसमें अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उससे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा, जिससे सुनैना को आयशा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। ऐसा है महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बलि यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है। लेकिन जब आयशा अपने पिता से सीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को लिए कहा, लेकिन ऐसा फल रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है, जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उसे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चूमने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और अनिच्छा से सीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की एक योजना थी जिसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने श्रीनाथ प्रसाद अक्की यानी सीनू का, एलिना डिकर ने सुनैना का, नायकी फाइकनी ने आयशा का और अयोध्या सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने पीटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावान ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविलिया शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, नील मोटवानी ने बॉन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसाई ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपाठी का, कैविस मोजवांतर ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस एक्सपीरियंस एज अ वेरियस कोर था और इस मूवी में पुनीत राजपूत, मोहनलाल, प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हर सेल्फ और हिमसेल्फ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कपूर
निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की, क्योंकि उन्हें अपने प्ले उत्तम के लिए तेलुगु फिल्म कंडीरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म तब गाइडिंग कैरक जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करे। नरगिस फाकिर ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया, जो भाषाओं की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एरिना डिसूज़ और नरगिस फाकिर से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर अक्टूबर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में बॉस्को सीजर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं फिल्म के साउंड ट्रैक साजिद वाजिद द्वारा रचित थे, जबकि गीत कुमार कौशल मुनीर और जाविद साबिर द्वारा लिखे गए थे। पेनी दयाल और सामली खड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 20 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंड ट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंड ट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागनी एमएमएसटू के नाटकीय फिल्ड के साथ इसका रिमिक्स संकलन किया, जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के गीत जहां तेरी ये नजर ऐसे की और एलिना डिक्रस फाकरी की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखने का है। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसा आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन हैं। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाकरी हैं। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.1 out of 10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरिंगी की रीमेक है। फिल्म में नरगिस फाकिर, वरुण धवन और एलेना डिक्रूज। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षकों ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार किरोसामी है। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरानंदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडेगरी जो संतोष श्रीवांशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाकरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट नितिन माधुकर और रॉक ट्रेड द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद हैं तथा स्कोर के लिए संदीप सरोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए
बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्कूटी के कॉलेज से मूवी की शुरुआत होती है जहाँ श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सीनू यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दे। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की थी। वह यूपी से बंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू लिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज़ वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलिनिया डिक्रोस नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणतो सिंह नाम की एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के बाएं पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं जब तक कि वह उसे तो वो पीट नहींता है नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमियों को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि सीनू की एक प्लानिंग होती है और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है। जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। सीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना वो एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। सीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी आयशा सिंघल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। उसने अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उससे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा जिसे सुनू को ऐसा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। ऐसा है महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बलि यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है।
लेकिन जब आशा अपने पिता से चीजों के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को लिए कहा, लेकिन ऐसा कर रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उससे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चूमने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांतिया देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और अनिशा से सीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की एक योजना थी जिसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने श्रीनाथ प्रसाद अक्की यानी सीनू का, एलिना डिकर्स ने सुनैना का, नायकी फाइकनी ने आयशा का और अयोध्या सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने पीटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावन ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविलिया शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, नील मोटवानी ने बॉन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुस्तानी ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपाठी का, कैविस मोदवांतर ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस अपीयरेंस एज अ वेरियस कोर्ट का। और इस मूवी में पुनीत राज कपूर, मोहनलाल, प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हर सेल्फ और हिमसेल्फ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कपूर निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की क्योंकि उन्हें अपने अगले उद्यम के लिए तेलुगु फिल्म कंडीरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करें। नायके फागेड़ ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया जो भाषा की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एलिना डिकर्स और से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर अक्टूबर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में पॉस्को थिएटर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं फिल्म के साउंडट्रैक अजीत कुमार, कौशल मीर और ताबिज साबिर द्वारा लिखे गए थे। पेनी दयाल और सामी खड़े द्वारा गाए गए पहला गीत देशर्मी की ऊंचाई
20 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंडट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंडट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागिनी एमएमएस टू के नाटकीय प्रिंट के साथ इसका रीमिक्स संकलन संकलन किया जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के की जहां तेरी ये नजर ऐसे की वरुण धवन और एलिना डिक्रिपन अर्जित पागरी की इस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखने करते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसा आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाकरी हैं। इस मूवी के संगीतकार राजेश वाजिद हैं। उनकी आईएमडीबी रेटिंग 5.1 out of 10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर्स द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरिंगी की रीमेक है। फिल्म में नरगिस फाकरी, वरुण धवन और एलेना डिक्रूज हैं। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षकों ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन हैं। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार किरोसामी हैं। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरानंदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडेगरी जो संतोष श्रीवांशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेल लीड कैरेक्टर वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाकरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट नितिन माधुकर और रॉक टेड द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद हैं तथा स्कोर के लिए संदीप सरोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी के पॉलिस से मूवी की शुरुआत होती है जहाँ श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिंह यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दे। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की। वह यूपी से बंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की की एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी।
एक बार जब सीनू टिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलिनिया डिक्रोस नाम की एक मध्यम वर्गीय लड़की को देखता है और की ओर आकर्षित होता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणतो सिंह नाम के एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के बाएं पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं जब तक कि वह उसे वो पीट नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है, लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमी को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि सीनू की एक प्लानिंग होती है और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है तो वो लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना को एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। सीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी ऐसा सिंगल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। उसमें अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उससे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और बीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा जिसे सीनू को ऐसा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। ऐसा है महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बलि यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब आयशा अपने पिता से सीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को लिए कहा, लेकिन ऐसा फल रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उसे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को ढूंढने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है
और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। तो नैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और आयशा से तीनों से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की योजना थी जिसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने जयनाथ प्रसाद पक्की यानी सीनू का, एलिना डिकल का सुनैना का, नायकी फाइनली ने आयशा का और अयोध्या सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने ट्विटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावान ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविलिया शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, नील मोटवानी ने वॉन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसाल ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपाठी का, कैविस मोजमात्रा ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस अप्रेंस एज अ वेरियस कोड का। और इस मूवी में पुनीत राज कपूर, मोहनलाल, प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हर सेल्फ और इंसाफ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता करमूत कपूर निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की क्योंकि उन्हें अपने अगले उत्तम के लिए तेलुगु फिल्म कंडीरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करे। नरगिस फाकिर ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया जो भाषा की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एलिना डिकल और नरगिस फाकरी से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर अक्टूबर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में बॉस्को थिएटर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं उनके साजिद अजीत थे जबकि गीत कुमार, मौसम मुनीर और दाविद साबिर द्वारा लिखे गए थे। पेनी दयाल और सामी कलखड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 20 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंड ट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंड ट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागनी MMS2 के नाटकीय प्रिंट के साथ इसका रिमिक्स संकलन किया जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म आलिया के 1981 के गीत जहाँ तेरी ये नज़र ऐसे की। गाइस, आप वरुण धवन और एलिना डिकल्स और नरगिस फाकरी की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाकरी हैं। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग
5.1 आउट ऑफ 10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर्स द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादिरिंगी की रीमेक है। फिल्म में नरगिस फाखरी, वरुण धवन और एलेना डिक्रूज हैं। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 20 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षकों ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार हिरोशामी है। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हिरानंदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडिगरी जो संतोष श्रीवांशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट नितिन माधुकर और रोक टेड़े द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिश वादी हैं तथा स्कोर के लिए संदीप सरोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी के पॉलिस से मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ श्रीनाथ प्रसाद यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 और अंक दे। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है, लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं, लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की थी। वह यूपी से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू लिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना कोरडिया यानी एलेना डिक्रूज नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित होता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणतो सिंह नाम की एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के बाएं पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं जब तक कि वह उसे दो को पीट नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है, लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 दिनों तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है
और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमियों को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि सीनू की ही एक प्लानिंग होती है और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है, क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था, लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। सीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना वो एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। सीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी आयशा सिंघल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है। उसमें अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उससे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा, जिससे सीनू को आयशा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। ऐसा है महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बलि यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है क्योंकि शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है। लेकिन जब आयशा अपने पिता से सीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को लिए कहा, लेकिन ऐसा फल रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है, जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उससे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चुनने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और अनिच्छा से सीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी वो सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की योजना थी, इसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने श्रीनाथ प्रसाद अक्की यानी सीनू का, एलिना डिक्रेज ने सुनैना का, नायकी फाइल ने आयशा का,
और उदयन सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने पीटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावान ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविलेन शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, नील मोटवानी ने बोन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसारी ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपाठी का, कैविस मुजवानदार ने सीनू के पॉलिसमेंट का, सलमान खान ने वॉइस अपीयरेंस एज अ वेरियस कोड का। और इस मूवी में पुनीत दास कपूर, मोहनलाल, प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हर सेल्फ और हिमसेल्फ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कर्मूर कपूर निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की, क्योंकि उन्हें अपने अगले उद्यम के लिए तेलुगु फिल्म कंडेरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करें। नरगिस फाखरी ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया, जो भाषाओं की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एरिना डिविलियर्स और नरगिस फाखरी से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर अक्टूबर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में बॉस्को सीजर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं इस मूवी के साउंड ट्रैक साजिद वाजिद द्वारा रचित थे, जबकि गीत कुमार कौशमीर और दाविद साबिर द्वारा लिखे गए थे। पेनी दयाल और सामनी कलखड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 20 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंड ट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंड ट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागनी MMS2 के नाटकीय प्रिंट के साथ इसका रिमिक्स संकलन किया, जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के गीत जहां तेरी ये नजर ऐसे की का आप वरुण धवन और एलिना डिकन और नरगिस फाखरी की इस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है मैं तेरा हीरो। यह मूवी 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के मुख्य अभिनेता वरुण धवन, एलेना डिक्रूज और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी के संगीतकार साजिद वाजिद हैं। उनकी IMDb रेटिंग 5.1/10 है। वहीं इस मूवी को 82% गूगल यूजर्स द्वारा पसंद किया गया है। मैं तेरा हीरो 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स बैनर के तहत शोभा कपूर और एकता कपूर द्वारा निर्मित है। यह 2011 की तेलुगु फिल्म कादीरिंगी की रिमेक है। फिल्म में नरगिस फाखरी, वरुण धवन और एलेना डिक्रूज हैं। फिल्म के लिए प्रधान फोटोग्राफी 30 मई 2013 को शुरू हुई। फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू किया गया और 15 अक्टूबर तक पूरा हो गया। फिल्म समीक्षकों ने मिली जुली समीक्षाओं के लिए 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन है। वहीं इस मूवी के राइटर तुषार हीरोस्वामी हैं। वहीं इस मूवी के डायलॉग बिलाव जावरी द्वारा लिखे गए हैं। इस मूवी के स्टोरी राइटर तुषार हीरानंदी हैं। वहीं इस मूवी के बेस कंडेगरी जो संतोष श्रीवांशी द्वारा बनाई गई तमिल मूवी है पर बेस है। इस मूवी के प्रोड्यूसर शोभा कपूर और एकता कपूर हैं। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर वरुण धवन
अलीना डिकर और नरगिस फाखरी हैं। इस मूवी को नैरेटेड सलमान खान द्वारा किया गया है। वहीं इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी संजय एफ गुप्ता द्वारा किया गया है। इस मूवी को एडिट नितिन माधुकर और रॉक टेडे द्वारा किया गया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वादी ने तथा स्कोर के लिए संदीप सरोडकर ने अपना अहम रोल दिया है। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट रमेश सीपिया एंटरटेनमेंट ने किया है। इस मूवी के मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 4 अप्रैल 2014 को रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 29 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी के पॉलिस से मूवी की शुरुआत होती है, जहाँ श्रीनाथ प्रसाद उस दिन यानी वरुण धवन अपनी अंतिम परीक्षा में 2 से फेल हो जाते हैं। डिग्री प्राप्त करने के लिए वह प्रोफेसर की बेटी की शादी के दौरान उसका अपहरण कर लेते हैं और अपने प्रोफेसर यानी राजू खेर से मांग करते हैं कि वह अपनी बेटी के बदले उसे 2 दें। सीनू गलती से उसे छोड़ देता है, लेकिन अपने माता पिता को अपने घर में जाने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपनी शॉपिंग मॉल में नौकरी की पेशकश करते हैं, लेकिन सीनू की योजना बेंगलुरु के लिफ्ट कॉलेज में डिग्री हासिल करने की। वह यूपी से बंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार होता है। उसके लिए पूरा शहर उसे छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि पूरे शहर में उसने आतंक मचा रखा था। ट्रेन में वह एक किशोरी लड़की के एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाली एक गिरोह की पिटाई करता है, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, जिसका पता हमें मूवी के अगले कुछ सीनों में पता चल जाएगा। जब सीनू बेंगलुरु आता है तो वहाँ रहने वाले उसके एक दोस्त ने अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। एक बार जब सीनू लिफ्ट कॉलेज में आता है तो वह कृष्ण यानी सलमान खान की आवाज़ वाले मूर्ति से प्रार्थना करता है और पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित ना करता है। हालांकि एक बार जब वह समाप्त कर लेता है तो वह सुनैना गोराडिया यानी एलिनिया डिक्रोस नाम की एक मध्यम वर्ग की लड़की को देखता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उसका उपेक्षा करती है। वह उसे बताती है कि उसे अंगद नेगी यानी अरुणतो सिंह नाम की एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि उसके पिता को अंगद की साइडकिक और दोस्त पीटर यानी राजपाल यादव के बाएं पर गोली मार दी थी और अंगद के आदमी सीनू का पीछा करते हैं, जब तक कि वह उसे तो वो पीट नहींता है नहीं बाकी को डराता है। सीनू उसके साथ समझौता करने के लिए अंगद के पास जाता है और सुनैना को छोड़ देता है, लेकिन अंगद यह मानते हुए कि ऐसा नहीं कर सकता सीनू को 3 तक सुनैना को लुभाने की कोशिश करने का मौका देता है। सीनू सार्वजनिक रूप से सुनैना से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे अंगद और उसके गुंडों से नहीं डरने को कहता है। वह हिम्मत जुटाती है और अंगद के आदमियों को डराती है और सीनू से प्यार करने लगती है। अंगद सीनू को ढूंढता है और पता लगता है कि क्या हुआ था और सीनू को गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय गलती से पीटर को गोली मार देता है। मीडिया को तुरंत पता चल जाता है जो कि सीनू की एक प्लानिंग होती है और अंगद को एक पुलिस अधिकारी के रूप में निलंबित कर दिया जाता है, जब तक सुनैना का अपहरण कर लिया जाता है क्योंकि वह एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है। जब तक सब ठीक था, लेकिन अचानक सुनैना के अपहरण से सीनू घबरा जाता है और अंगद को उसके बारे में पता चलता है। सीनू को लगता है कि अंगद ने उसका किडनैप किया है। सीनू को अंगद से पता चलता है कि सुनैना को एशिया के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में एक विक्रांत सिंघल यानी अनुपम खेर की हवेली में ले जाया गया है। विक्रांत की बेटी यानी आयशा सिंघल ऊटी से बेंगलुरु उसी ट्रेन में आ रही थी जिसमें सोनू आ रहा था। सीनू के प्रभावशाली युद्ध कौशल की ओर देखकर वो आकर्षित हो गई थी और हमें पता चलता है कि वो रिकॉर्डिंग कोई और नहीं उसकी आयशा सिंघल ही कर रही थी। तब से वो उस पर फ्लैट हो गई है, उसमें
में अपने पिता को अपने अनुभव के साथ साथ उससे शादी करने की अपनी रुचि के बारे में बताया। अंगद और पीटर ने विक्रांत के आदमियों से कहा कि सीनू को पाने के लिए उन्हें सुनैना को अपनी जगह पर ले जाना होगा, जिससे सीनू को ऐसा से शादी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर सीनू को अंगद पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ना करते हुए सीनू उन पर हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। ऐसा है महसूस करते हुए सीनू थाईलैंड के बैंकॉक में विक्रांत के घर जाता है। वह विक्रांत और उसके दोस्त और सहयोगी बलि यानी सौरभ शुक्ला को एक यह सोचकर धोखा देता है कि आयशा से शादी करना चाहता है। हालांकि वह अनुरोध करता है कि उसे शादी के दिन से पहले आयशा को जाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए, जिसे विक्रांत शुरू में मना कर देता है। लेकिन जब आयशा अपने पिता से सीनू के अनुसार करने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। आयशा और सीनू एक साथ दिन बिताते हैं। बाद में सीनू आयशा से कहता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। बाद में सीनू सुनैना से मिला और उसके साथ अंतरंग करने की कोशिश की तो उसने उसे घर छोड़ने को यह कहा, लेकिन ऐसा कर रहा। जब अंगद और पीटर बाद में आते हैं तो उसे एक सहयोग से अंगद से प्यार हो जाता है। सीनू आयशा को पसंद करता है, जैसे वेलस वह सुनैना को पसंद करता है और कभी मतभेद नहीं दिखाता। सीनू और सुनैना अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आयशा और अंगद के प्यार का इस्तेमाल करते हैं। सुनैना ने आयशा के समान कपड़े पहने, नतीजात्मक अंगद सुनैना को आयशा के लिए भ्रमित करता है, जिससे आयशा को विश्वास हो जाता है कि अंगद उसे प्यार करता है। योजना बाद में विफल हो जाती है। हालांकि जब अंगद इस बात का एहसास होता है कि आयशा को एक बार फिर से सीनू से शादी करने के लिए चकमा देना होगा, अंगद को सीनू और सुनैना द्वारा आयशा को चुनने के लिए धोखा दिया जाता है। जब विक्रांत यह देखता है तो वह अंगद को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है, लेकिन आयशा बीच में कदम रखती है और उसे यह कहती है और रोक देती है कि वह अंगद से प्यार करती है। यह देखकर अंगद को पता चलता है कि आयशा का उसके लिए प्यार सच्चा है और आयशा उसके लिए सही लड़की है। सुनैना ने और आयशा ने शादी करने का फैसला करती है। विक्रांत को पता चलता है कि उसकी बेटी अंगद से प्यार करती है और आयशा से सीनू से कहती है कि आयशा अंगद से शादी करेगी। सीनू तड़पने का नाटक करता है, बदले में बाद में वह जश्न भी मनाता है। आयशा ने अंगद से शादी कर ली और विक्रांत ने सुनैना जो सीनू से नफरत करने का नाटक कर रही थी को सीनू से शादी करने के लिए मना रहा है। यह कहकर कि वह आयशा और अंगद को एक साथ लाने की एक योजना थी जिसके लिए उसने 10 दिन का समय लिया। आयशा को नहीं जानने के लिए यह महसूस नहीं किया कि यह सच है। सीनू और सुनैना फिर से एक साथ हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं अंगद भी सीनू की इस चालबाजी से खुश होता है और उसे स्वीकार करता है और यही मूवी का डी एंड हो जाता है। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो वरुण धवन ने श्रीनाथ प्रसाद पक्की यानी सीनू का, एलिना डिकल ने सुनैना का, नायके फाइकुनी ने आयशा का, अयोध्या सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर अंगद का, अनुपम खेर ने विक्रांत सहगल का, राजपाल यादव ने पीटर का, सौरभ शुक्ला ने बाली का, मनोज पावन ने फादर ऑफ सीनू का, सुप्रिया शुक्ला ने मदर ऑफ सीनू का, अविल्या शर्मा ने विनोनिका का, राजू खेर ने प्रोफेसर त्रिपाठी का, नील मोटवानी ने बॉन ऑफ अंगद का, शक्ति कपूर ने जॉनी का, अश्विन मुसाई ने एंगर मैनेजमेंट त्रिपाठी का, केविस मोजवानकर ने सीनू के कॉलेज फ्रेंड का, सलमान खान ने वॉइस अपरेंस एज अ वेरियस कॉर्ड का, और इस मूवी में पुनीत राज कपूर, मोहनलाल प्रभास और निकिला दत्ता जैसे कैरेक्टर ने भी अपना हर सेल्फ और इंसाफ रोल दिया है। फिल्म के डेवलपमेंट की बात करें तो एकता कर्मा कपूर निर्माता ने जनवरी 2013 में अपने बड़े बजट की फिल्म की पुष्टि की, क्योंकि उन्हें अपने अगले उत्तम के लिए तेलुगु फिल्म कंडीरेगा में 20 मिलियन से खरीदार खरीदे। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि फिल्म द वेडिंग कैरस जैसे उपचार के साथ इसे आधुनिक समय के हिम्मत वाला के रूप में कैप्चर करे। नायके फाकिर ने अपनी पहली बार किसी हिंदी भाषा की फिल्म में अपनी आवाज़ में डब किया,
जो भाषाओं की बाधाओं के कारण उन्हें रोक रही थी। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने फिल्म के लिए मुख्य भूमिका के रूप में वरुण धवन, एरिना डिक्रूज और नरगिस फाखरी से संपर्क किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। प्रारंभिक फिल्मांकन 5 जुलाई 2013 को शुरू हुआ। फिल्मांकन स्थानों में बैंगलोर, बैंकॉक और लंदन शामिल थे। अगला शेड्यूल बैंगलोर अक्टूबर 2013 में मुख्य कलाकारों के साथ शुरू हुआ। फिल्म के कई गानों को बैंकॉक में वास्को सीस्टर द्वारा कैरोग्राफ किया गया था। अनुपम खेर ने मुख्य कलाकारों के सहायक के साथ सहायक भूमिका में देखा गया था। वहीं फिल्म के सॉन्ग साजिश बाजू द्वारा रचित थे, जबकि गीत कुमार कौशल मुनीर और दाविद साबिर द्वारा लिखे गए थे। पेनी दयाल और सामली खड़े द्वारा गाए गए पहला गीत बेशर्मी की ऊंचाई 30 फरवरी 2014 को जारी किया गया। साउंडट्रैक 3 मार्च 2014 को जारी किया गया। फिल्म के निर्माताओं ने साउंडट्रैक से पलट तेरा हीरो इधर है गीत को लोकप्रिय पर भरोसा करते हुए रागनी एमएमएसू के नाटकीय पेट के साथ इसका रिमिक्स संकलन किया, जो 21 मार्च 2014 को जारी किया गया था। नाटक के बजाय ट्रेलर इस तरह का पहला उदाहरण था। कुछ आलोचकों ने पलट तेरा हीरो है ट्रैक की तुलना फिल्म कालिया के 1981 के गीत जहां तेरी ये नजर ऐसे की गाइस आप वरुण धवन और एलिना डिक्रूज और नरगिस फाखरी की किस मूवी का एक्सप्रेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।